बसों कल्याण में हमारे युवा नेता माजी जिला पंचायत सदस्य पहलूर सर्कल के आनंद पाटिल ने एक ऐसी सोच किसानों के बारे में अच्छी सोच रख के जो कदम उठाए हैं, ये कम से कम 3-4 महीने से इनका ये प्रोग्राम चल रहा है कि हर किसानों को हमारी पार्टी से कर्जा माफ हुआ है। किसानों के तकलीफें दूर करने का काम हमारी पार्टी सम्माननीय कुमार स्वामी जी ने किए हैं, वो घर घर तक उसका संदेश पहुंचाने के लिए ये युवा नेता के नज़र में एक ऐसी चीज है कि हर किसान को जिसका कर्जा माफ हो गया, हर गांव को जाकर उस किसानों को भेजकर उसको सम्मान करना और उसको समझाना कि भाई तेरा कर्जा माफ हो गया है, इसलिए हमारे पार्टी की तरफ से देखो हम सम्मान कर रहे हैं। ऐसा एक प्रोग्राम हमारे आनंद पाटिल जी ने डाले हैं, एक बहुत अच्छी बात है हमारे पार्टी के लिए। एक ऐसी शुरुआत है कि हमारा प्रचार या कुमार स्वामी का प्रचार, हमारे पार्टी के जो जो भी काम हो गए हैं जो किसानों के बारे में, खास करके किसानों को बहुत सारी सहूलत दी है, सो पार्टी बोले तो हमारी जनता दल पार्टी है, वो कदम ये युवा नेता के इससे जो हो रहा है, इसलिए मैं आनंद पाटिल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसे नेता उभर कर आना चाहिए। आज JDS पार्टी के सभी कार्यकर्ता और प्रमुख लोग हम ये डिसीजन लिए हैं कि 19,000 लोग जो 2018 में कर्ज माफी के हकदार बने, उनके घर तक जाके हम एक सर्टिफिकेट देके उनको सम्मान करने का किसान सम्मान यात्रा प्रारंभ करने वाले हैं, और घर घर को जाके कुमार अन्ना का और देवेगौड़ा का जो रोल था किसानों के हक के लिए, उसके लिए हम घर में जाके कन्विंस करके, हमारे पार्टी के वोटर्स बसों कल्याण में है मगर हम उनके घर तक नहीं जा सके। अगले जो 2 साल यानी कि 18 महीने 20 महीने है, पूरे 20 महीने हर दिन को 200 लोगों को हम अप्रोच करने का टारगेट रखे हैं। अभी हमें सभी पार्टी के लोग मिलके ये निर्णय लिए हैं, घर को जाके उनको कन्विंस करके हमारा पार्टी क्या काम किया है, पंप सेट से लेके पंप सेट जो फ्री कनेक्शन देने का से स्टार्ट करके माइनॉरिटी को 4% के रिजर्वेशन से लेके अभी जो पिछले 19,000 किसान भाइयों को जो कर्ज माफी की है हमारे पार्टी ने, जो उस वक्त बहुत कष्ट में थे, उस वक्त जो पार्टी ने निर्णय लेके रातों रात में डिसीजन लेके वो निर्णय लेके वो कर्ज माफी की है, इसके लिए हम प्रचार करके हम पार्टी को मजबूत करने के लिए हम कदम पर कदम मिलाने वाले हैं। JDS पार्टी की तरफ से है या आपका कुछ? मेरे तरफ से कर रहा हूँ और पार्टी का पूरा सहयोग इसमें है, बिल्कुल है। इनसे चलिए, 2 बार मैं ऑलरेडी टिकट मांगा हूँ, कुछ कारणों से हमारे पार्टी के नेता हमारे को नहीं दिए, अब हम काम करके घर घर को जाके टिकट मांगने वाले हैं। 19,000 किसान लोग को सम्मान करने वाले हैं, और उसके अलावा भी हम घर घर को जाके हमारा जो किसानों के लिए और दूसरे गरीब को लिए जो सुविधा हमारे पार्टी ने दी थी उसके प्रचार हम करने वाले हैं। आनंद पटेल साहब ने आपको कहा कि JDS पार्टी के युवा नेता होने के तहत किसान सम्मान यात्रा आज तक बसों कल्याण तालुके में बहुत सारे लीडर आए, टाइम मतलब क्या है पार्ट टाइम पॉलिटिक्स किए, लोगों को टाइम नहीं दिया, लोगों की समस्या सुलझाना इसके लिए काम नहीं किए। आनंद पटेल साहब पिछले 15 साल से पार्टी में काम कर रहे हैं और हमारे पार्टी के लॉयल आदमी हैं, 2 बार टिकट पूछे उनको टिकट नहीं मिला फिर भी पार्टी का काम किए, इस बार काम कर टिकट मांगना ऐसा उनकी अपेक्षा है, इसलिए किसान सम्मान यात्रा ये पूरी 1.5 साल चलने वाली है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हर गांव में जाने वाले हैं, वहां के किसानों से मिलने वाले हैं, उनकी समस्या क्या है पूछने वाले हैं, ना कि सिर्फ पूछना है, वो समस्या कर लिखकर उसका सॉल्यूशन कैसा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है या फिर क्या सोसाइटी से होता है या कौन सी संस्था से होता है, वो पूछकर उसका क्या है सॉल्यूशन करेंगे। और जिन जिन किसानों का 19,000 किसानों का जो कर्ज माफी हुआ है उनको आनंद पटेल के तरफ से एक सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि आज तक इतिहास में सबसे बड़ी कर्ज माफी किसने की है तो कुमार अन्ना ने की है। आज बसों कल्याण में हर एक बिजनेस जो है किसान रिलेटेड बिजनेस है, आप बसों कल्याण में कोई भी देखिए सभी जो बिजनेस है, ये दूध वाले से लेकर अंडे वाले से लेकर कोई भी है किसान और किसान से रिलेटेड बिजनेस है, तो इनके आज समस्या जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारी पार्टी किसानों की रखवाली पार्टी है, रक्षक पार्टी है, हमारी पार्टी के आइडियोलॉजी तत्व सिद्धांत को जानते हुए आनंद पटेल साहब आज से कंटिन्यू पूरे 1.5 साल तक
19,000 किसानों पर उनका सम्मान करना, किसानों की समस्या की जानने के लिए एक किसान यात्रा बड़े तो पैमाने पर किया जा रहा है। इसमें 8 ZP और बाकी जो सब टीपी सर्कल मतलब पूरा बसों कल्याण विधानसभा मत क्षेत्र और 150 गांव से ऊपर सबको इन्वॉल्व करके काम करने वाले हैं।